रूप धारण करके उस ब्राह्मण के सामने भगवान प्रकट हो गए। और आकर के भगवान ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य दुखी होकर के यत्र तत्र क्यों भ्रमण करते रहते हैं? आपके दुख का क्या कारण है? तो उस ब्राह्मण ने भगवान को कहा कि मैं ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वह भ्रमण, मैं भिक्षा के लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण किया रहता हूँ। भगवान, मैं ब्राह्मण हूँ, अत्यंत निर्धन हूँ, कृपया कृपा करके आप कोई एक ऐसा उपाय बतलाइए कि जिससे मुझे इस मांगने से मुक्ति मिल जाए। तो उसका वचन सुन करके ब्राह्मण का वृद्ध ब्राह्मण वाच भगवान उससे बोले कि सत्य नारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रद, आप सत्य नारायण भगवान का पूजन करिए, वे वांछितार्थ फल प्रद, वो वांछित फल प्रदान करने वाले हैं भगवान। इसलिए ब्राह्मण देवता उनका ही पूजन कीजिए, वे आपको केवल एक ही प्रकार के दुख से नहीं, यद कृत्वा सर्व दुखे भ्यो, हर प्रकार के दुखों से मुक्ति देने में भगवान समर्थ है। इसलिए आप उनके चरण शरण में जाइए, उनका पूजन करिए। और भगवान ने ही जो मनुष्य रूप में ब्राह्मण रूप में थे, उन ब्राह्मण को अपने पूजन का सारा विधि विधान बतला दिया, बतला करके सारी बता के फिर भगवान वहाँ अंतर ध्यान हो गए। और ब्राह्मण ने उन ब्राह्मण जो भगवान ही थे उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना था, इसलिए उसको रात भर बड़ा आनंद आया, नींद नहीं आई, जागता ही रहा और मन में निश्चय हो गया कि अब मैं अवश्य भगवान का पूजन करूंगा और भगवान का पूजन जिस दिन हो जाएगा उस दिन मेरा सारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, जैसा कि उस ब्राह्मण ने कहा। तो ये जो विश्वास ही कहा है, विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलीभूत होता है। तो ब्राह्मण सुबह उठ करके और निकल पड़े भगवान का नाम लेते हुए, उन ब्राह्मण को मन ही मन प्रणाम करते हुए कि अब जहाँ से जो कुछ भी व्यवस्था होगी उसके द्वारा सर्वप्रथम मैं भगवान का पूजन करके उनका चरणामृत ही ग्रहण करूँगा, उसके बाद ही कुछ अन्य इत्यादि लूंगा, ऐसा अपना संकल्प करके मन में वे निकल पड़े। और उस दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि प्रचुरम द्रव्य माप्तवान, बहुत सारा धन उनको भिक्षा में प्राप्त हुआ। और उससे वो ब्राह्मण अपने घर में आकर के प्रेम पूर्वक भगवान का खूब पूजन किए, भगवान का प्रसाद वितरित किए, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किए, और उसी का परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण का सारा दुख दूर हो गया। और इसी अध्याय में एक कथा और जुड़ी है कि एक लकड़हारा एक दिन ही ब्राह्मण की याद आ गई और इनसे मिलने के लिए आया। तो आकर के देखा कि इनका सारा कुछ सब कुछ भगवान ने अभी बदल दिया था, सब दुख दूर हो गया था, हर प्रकार की सुख संपत्ति आ गई थी। लोगों से पूछा, भाई ये किसका स्थान है, किसका निवास स्थान है? लोगों ने परिचय दिया, बताया कि वही ब्राह्मण के बारे में पूछता ही है। तो उसको यह सब जान सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब उनके समीप आया तो देखा कि वही ब्राह्मण है, लेकिन अभी उनके जीवन में सब जो नैराश्य है, दुर्बलता है, दीनता है, हीनता, ये सब दूर हो गई है। अभी ओज तेज से, विद्या बुद्धि से, धन संपत्ति से एकदम वो मने परिपूर्ण है। यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। संयोग से देखा कि भगवान का दिव्य पूजन उन्होंने किया हुआ था, बैठा प्रणाम किया, भगवान के बारे में जाना, पूछा कि सब क्या है और यह सब परिवर्तन महाराज कैसे हुआ। तो ब्राह्मण ने निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से सब कुछ, एक ब्राह्मण का आशीर्वाद और भगवान का नाम, उनका पूजन प्रेम पूर्वक करने की सारी विधि थी, वह सब कुछ ब्राह्मण को बतलाया और इन दोनों के कृपा आशीर्वाद से उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हुआ, यह सब कुछ बताया। इस लकड़हारे ने बड़े प्रेम से प्रसाद लेकर के, सिरोधार्य करके आगे निकल पड़ा और उसके मन में भी उन ब्राह्मण का प्रेम आशीर्वाद और भगवान की करुणा कृपा बस गई। भगवान का नाम लेते हुए निकल पड़ा, मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज इसको बेचने से लकड़ी के गट्ठर को जो प्राप्ति होगी, हे भगवान, मैं उसको आपके पूजन में लगाऊंगा। और कहते हैं पहली बार भगवान ने दुगुना लाभ करा दिया। और वह ब्राह्मण अपने घर आया और सारी की सारी कमाई उस दिन की भगवान के पूजन में ही लगा दिया। और भगवान उसके इसी गुण से प्रसन्न हो गए, इस ईमानदारी से कि और तमाम लोग हैं कि चलो भगवान रोज हमको इतना ही देते थे, आज ज्यादा दे दिए, तो भगवान अपने लिए दे दिए, मेरा ही है। लेकिन ये कितना ईमानदार है कि सारी की सारी कमाई मेरी ही शक्ति का, मेरे ही प्रभाव का,
इसने परिणाम समझा, मेरा ही समझा, इसलिए सब कुछ मुझे इसने समर्पित कर दिया। इसलिए भगवान उसके ऊपर परम प्रसन्न हुए और उसकी सारी मनोकामना को भगवान ने पूर्ण कहा है। बिंदु महाराज ने कहा है कि न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ लाते हैं। तो भगवान परम प्रसन्न हुए और उसका सारा मनोरथ भगवान ने पूर्ण किया। तथा प्रसन्न हृदय सुपक्वं कदली फलम शर्कराधृत दुग्धं च गोधूमस्य चूर्णकं कृत्वा एकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततो बन्धून समाहूय चकार विधिना व्रतम् तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत इह लोके सुखं भुक्त्वा शान्ते सत्यपुरं ययौ। श्री सत्प्राणी सहसात्मे अन्य देवी।